आपके लेके जा रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम राजेश कुमार कंडारा है जी, मैं समाज सेवक हूँ। ठीक है, समाज की सेवा करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। कहरापुरा के एकदम महीने की बात है जी, आपके वहाँ जितने भी आए थे मीडिया वाले, एसपी साहब के बाहर भी आए थे, हम वहाँ भी हमने बयान दिए थे एसपी साहब के सामने। हमने इसने हमारे समाज को वो लाइव होके इंस्टाग्राम पे लाइव हो गया, हमारे समाज को गंदा प्यार बोला, गंदी गालियाँ निकाली। मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता मेरी जबान से जितना इतने गंदा बोला हमारे समाज के बारे में। तो हम तो यही चाहते हैं जी, हमारे जो समाज को बोल रहा है, हम कोई समाज के बारे इतने गंदे भी नहीं है जो इसकी गालियाँ सुन के चुप बैठ जाएंगे। आज मसला क्या है कि आज इसने कई दिनों से धमकी देखी, आज इधर देखा ये घूमता हुआ इस मकान में आता जाता काफी टाइम से, हमने नहीं पता कब से आ रहा, किराए पे रहता है, चिट्टा वगैरह पीता, चिट्टा बेचता है। आरएमजेड के इसके ऊपर काफी मुकदमे है, एनडीपीसी के मुकदमे इसके ऊपर। तो मेरी तो ये प्रशासन से है उम्मीद कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। व्यक्ति का नाम है अन्नी पाड़ी उर्फ हिमांशु, प्रेम गली में रहता है, कीर्ति नगर। इसको लेकर शायद आपने पहले कोई कंप्लेंट एसपी साहब ने मार कर किया, जैन साहब ने, हम गए थे, आप भी मीडिया वाले वहाँ आए थे, तो क्या कर रहे हैं? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है आपके सामने, वो की दरखास्त एक महीना होगा सुबह। आज जब आपने उसको देखा यहाँ घूमते होते, फिर क्या रिएक्शन रहा, क्या रिएक्शन, क्या जैसे उसको देखा तो देखा जैसे समाज के बच्चे 15-20 बच्चे इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने देख लिया ये लड़का वो है जो हमारे समाज के बारे में, उन्होंने इसके पकड़ने की कोशिश की, तो अंदर भाग के इसने ताला लगा लिया। अंदर भागने के बाद ऊपर से इट्टे बरसा दी, तो इतने फिर प्रशासन आ गए, पुलिस वाले आ गए। कितने लोगों की चोट लगी है? चोट किसी की नहीं लगी है। वो कितने लोग थे? वो 3-4 लोग थे अंदर, जिसमें 2 पकड़े गए और 2 एक दो बताए स्कूल के अंदर है। चलो कोई भी है, जो गलत है वो प्रशासन का काम है, जो गलत है उसको प्रशासन छोड़ देगी, जो गुनहगार उसको प्रशासन सजा देगी। क्या मांग कर रहे हैं सर इस पूरे? मांग तो प्रशासन से मांग है जी, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे समाज संतुष्टि हो सके। अगर हमारे समाज की संतुष्टि होगी, जब हम अगर हमारे इस तरह हो गए तो हम उजागर हो जाएंगे, गली चौक रोकेंगे, आज यार इकट्ठे हुए कल को चौक बंद कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, तो इससे अच्छा तो उसको अरेस्ट कर लो ना। फिलहाल किसी प्रकार के कोई चोट नहीं लगी, कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं है। तो वो चिट्टा तस्कर और जिसके ऊपर पर्चा दर्ज था, वो ये घर में भी छुपता छुपता भाग कर आया बताया। इस बात का चलो अभी कोई संज्ञान में नहीं मामला, जब हम मौके आए तो यहाँ पर कोई मारे को नहीं मिला। तो एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर लेके गई है, उसको देखो यहाँ था कमरे में, उसे पूछताछ करेंगे उसका कोई रोल है या नहीं, उससे हम पूछताछ करेंगे, रोल नहीं पाए तो। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है बताया जा रहा है? गिरफ्तार को नहीं, हम उसको पूछताछ के लिए ले गए। पूछताछ के लिए 2 लोगों को लेके गए, एक को लेके। ये यहाँ काफी लोग किराए पर रहते हैं, एक आदमी मिला, हम उसे पूछताछ करेंगे इसका कोई रोल है या नहीं, यदि रोल होगा तो नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। तो इस तरह से लगातार मामला क्या सूचना क्या आई थी सर आपके पास? क्या सूचना क्या आई थी सर आपके पास? क्या मामला? तो हमें यही सूचना, जो मामला वही है जो मैंने कह दिया, बता दीजिए। मामला ये है कि हमें सूचना मिली थी कि नौरिया बाजार में झगड़ा हो गया, सूचना पाकर हम मौके पर आए हैं, तो यहाँ अगर पता लगा कि कोई अन्नी पाड़ी नाम का आदमी है जिसके खिलाफ कोई SC ST का पर्चा दर्ज है, तो समाज के लोगों ने देखा तो भाई वो झगड़ पड़े, जब हम आए तो हमारे को कोई तो अन्नी पाड़ी नहीं मिला, कोई एंटी पार्टी का आदमी हमारे को नहीं मिला, और इस रिगार्डिंग हमारे पास किसी भी प्रकार की अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, यदि कोई शिकायत देगा तो हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अब बताया जा रहा है सर कि पत्थर वगैरह भी मारे गए हैं, किसी को चोट भी आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर अब आप पूरे मसले में कार्रवाई क्या रहेगी सर आपकी तरफ से? कार्रवाई तो जिनको काबू हिरासत में लिया उनके कार्रवाई, तो कोई शिकायत देगा तो उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।